Hey everyone, welcome back. हमने अपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर देखा था कि इंस्टॉलेशन वगैरह कैसे करनी है, कि हमें प्रीरिक्विजिट्स क्या क्या है, कि हमें रिएक्ट को सीखने से पहले क्या क्या आना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर बात की थी। अगर आपको प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि हम पहली रिएक्ट ऐप कैसे क्रिएट कर सकते हैं इस रिएक्ट कोर्स के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और देखते हैं कि हम इस काम को कैसे कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो पहले प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि सारे वीडियोस इसी के अंदर आने वाले हैं, ताकि आपको जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, वो आपको रीडायरेक्ट कर दे। अगर आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेते हैं तो वो रीडायरेक्ट कर दे इस प्लेलिस्ट पर। तो आप यहाँ क्लिक करके बुक मार्क कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो आपको एक माइंड सेट कर लेना है कि अगर आपको कोई भी काम करना है, मेरी बात गौर से सुनेगा, आपको माइंड सेट कर लेना है, अगर आपको कोई भी काम करना है तो आपको गूगल सर्च अच्छा करना आना चाहिए। तो आपको गूगल सर्च अच्छा करना आना चाहिए। अभी हमने क्या करना है, एक रिएक्ट ऐप को क्रिएट करना है। तो सिंपली मैं गूगल पर लिखूंगा क्रिएट रिएक्ट ऐप, सिंपल सा गूगल सर्च, रफ सा गूगल सर्च किया क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो मेरे पास एक लिंक आ गया क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप। मैं सिंपल जो है वो इस लिंक पर कर दूंगा क्लिक, तो ये मुझे reactjs.org की जो ऑफिशियल वेबसाइट है रिएक्ट की, रिएक्ट वालों की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे आपको हर चीज मिलेगी, ये मुझे उस पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक तरीका आ रहा है रिएक्ट ऐप को क्रिएट करने का, जो इन्होंने बताया हुआ है, लिखा हुआ है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माय ऐप npm स्टार्ट। इसका ये मतलब है भाई, हमने npm तो पढ़ा था, नोड पैकेज मैनेजर, जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो इसलिए बोल रहा हूँ, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें जल्दी जल्दी। तो npm तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, ये npx क्या है। npm और npx में कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है, जो काम आपने npm से करना है वो आप npx से भी कर सकते हैं। अगर आप npx से करेंगे तो ये सही तरीका नहीं है। मैंने आपको बताया था, जब भी मैं आपको तकरीबन हर वीडियोस में बोलता हूँ कि हर काम को करने का एक मैनेज्ड वे होता है, हर काम को करने का एक सही तरीका होता है। तो सही तरीका क्या है, हम npx का यूज करें। अब इनमें डिफरेंस क्या है, अगर आप npm, अगर आपके ये जो PC में, आपकी ये जो मशीन में, अगर आपके पास एक्स्ट्रा जो है स्पेस पड़ी हुई, मतलब आपके जो लोकल डिस्क में जो है एक्स्ट्रा जो है वो स्पेस है, मतलब बहुत जगह है, तो आप npm का यूज करें। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं स्पेस ना घेरी, मेरी स्पेस जो है वो बची रहे, मैं और चीजें इसके बजाय डाउनलोड कर लूं, तो आप npx का यूज करें, वरना आप npm का यूज करें। तो अब आप मुझे बताएं कि आप किसका यूज करेंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा सही तरीका आपको अच्छा लगा, वरना मैं ये काम npm के थ्रू भी कर सकता हूँ। आई होप कि अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यहाँ से सिर्फ इसको मैं कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी करके भी कर सकता हूँ, और मैं आ जाऊंगा YT React कोर्स जो मेरा फोल्डर है उसके अंदर, और यहाँ पर मैं राइट क्लिक कर ओपन विद कोड करूंगा, तो ये मेरा फोल्डर जो है वो VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। सिंपल, ये सबसे बेस्ट तरीका है। ये सबसे पहले आपके पास वेलकम स्क्रीन आती है, आप इसको क्लोज कर दीजिए। जैसे हमने यहाँ पर CMD करके कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया था, हम यहाँ पर उसको अगर जो हम पेस्ट कॉपी कर लाए हैं उसको अगर यहाँ पर पेस्ट कर दें तो हमारी क्रिएट जो है ऐप जो है रिएक्ट ऐप वो क्रिएट हो जाएगी। लेकिन ये जो VS कोड है ये हमें एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एक ऐसी सहूलत प्रोवाइड करता है कि ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है अब इसकी भी जरूरत नहीं है। ये यहाँ पर आपको एक टर्मिनल का ऑप्शन जो है वो मिलेगा, आपको सिंपल न्यू टर्मिनल पर ओपन करना है, क्लिक करना है, तो इसका एक शॉर्टकट भी है कंट्रोल और ये
बैकटिक जो है अगर आप प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। स्किप की के नीचे कीबोर्ड के अंदर स्किप की के नीचे जो है ये आपको मिल जाएगा। तो आपको सिंपल टर्मिनल को ओपन करना है और यहाँ पर जो है वो उसको पेस्ट कर देना है जो हमने क्रिएट रिएक्ट ऐप करके जो कॉपी करके लाए थे, और सिंपल आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। अगर आप इंटर कर देंगे तो ये जो है आपकी जो ऐप है वो क्रिएट होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। आप माय ऐप की जगह कोई भी नाम रख सकते थे, देखा आपने यहाँ पर माय ऐप के नाम से जो है वो ऐप क्रिएट होना स्टार्ट हो गई है। अब इसके अंदर जितने भी फाइल फोल्डर्स जो हैं वो यहाँ पर क्रिएट करेगा और हमें फिर बता देगा, तो इसमें जो है ना वो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो तब तक मैं आपको बता देता हूँ, जब तक ये क्रिएट हो रही है तब तक हम कुछ इसकी इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं। मतलब अगर हमें ऐसा नहीं करना हो, मतलब हमें ये npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माई ऐप cd माई ऐप npm स्टार्ट ऐसे नहीं करना हो, तो हम इस फोल्डर स्ट्रक्चर को खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। ये जो अभी पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर बनकर आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो का टाइटल यही होगा, अंडरस्टैंडिंग फोल्डर स्ट्रक्चर इन रिएक्ट इन कंप्लीट रिएक्ट कोर्स। लेकिन इसमें सिर्फ हमने आज की वीडियो में क्रिएट ऐप को रिएक्ट ऐप को क्रिएट करना था। तो अभी जब तक ये हो रही है क्रिएट, मैं आपको बता दूं ये जो पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करेगी, ये जो रिएक्ट ऐप जो है वो बन रही है, जो पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर बनकर आएगा ये हम खुद भी मैन्युअली एक एक फोल्डर के अंदर एक एक फाइल को हम मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके जैसे हम फोल्डर फाइल क्रिएट करते थे ऐसे भी हम कर सकते हैं। लेकिन मैंने फिर वही बात आ जाती है, हर काम को करने का एक मैनेज्ड वे होता है। जैसे आप रिएक्ट ऐप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे उन्होंने बताया अगर आपको ऐप को क्रिएट करना हो तो आप सिंपल क्या करिए, reactjs.org हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आइए, आप लिखिए क्रिएट रिएक्ट ऐप और आपको क्रिएट रिएक्ट ऐप करने का तरीका जो है वो मिल जाएगा। यहाँ से कॉपी करिए और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दीजिए तो आपकी जो है ऐप जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो इन्होंने बताया हुआ जैसे कि, लेकिन हम उसको खुद भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है। मतलब अगर आप बोलते हैं, आप समझते हैं कि मैं बहुत फारिग हूं, तो आप मैन्युअली उसको एक एक करके जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब भाई कौन भला जो है वो एक एक करके क्रिएट करेगा, कोई इतना बेवकूफ तो नहीं होता ना कि अब एक एक करके जो है वो उसको क्रिएट करे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हर काम को करने का एक मैनेज्ड वे होता है, तो उसी मैनेज्ड वे से हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो यहाँ पर तरीका जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट ये जो रिएक्ट की है उन्होंने हमें बता दिया। तो यही था कि हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जब तक ये क्रिएट हो रही है ये बहुत टाइम ले रही है पता नहीं क्यों। वैसे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर आपका नेटवर्क जो है वो थोड़ा हाई है तो आपकी जल्दी भी क्रिएट हो सकती है। तो नेटवर्क जो है वो आज थोड़ा स्लो है इसलिए जो है ये टाइम ले रही है क्रिएट होने में। तो जब तक ये क्रिएट होती है तो मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। तो इसने थोड़ा सा और टाइम लिया और ये क्रिएट हो चुकी है। तो अब ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर है ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज मस्ट लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।